शहर, जिल्हा आणि राज्यातील प्रमुख मागण्याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी 11 डिसेंबर रोजी नागपूर येथील दीक्षाभूमी येथून हल्लाबोल मोर्चा काँग्रेसच्या वतीने काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात वर्धा जिल्ह्यातील काँग्रेसचे 15,000 अधिक कार्यकर्ते सहभागी होणार आहे, अशी माहिती काँग्रेसचे वर्धा जिल्हा निरीक्षक झिया पटेल यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी अतुल कोठेचा, शंकर शेंडे, प्रवीण हिरवे आदींची उपस्थिती होती. 11 तारीख को निकलने वाला है और वर्धा शहर की जिम्मेदारी प्रदेश के अध्यक्ष आला वजीरा आदरणीय नाना पटोले जी ने मुझे दी, वर्धा विधानसभा की. तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी आज आपको यहाँ पर आकर संपूर्ण जानकारी से अवगत कराए. जैसा कि जिया भाई ने बताया, पिछले दिनों 4 राज्यों में जो चुनाव हुए और उस चुनाव के अंदर तेलंगाना के अंदर हमने भारी जीत हासिल की और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वोट लेने के बावजूद हम वहाँ पर हारे. मेरा केवल इतना ही बोलना है, यह जो मोर्चा है, ये मोर्चे के अंदर वर्धा विधानसभा से लगभग 15,000 लोगों को हम इकट्ठा कर नागपुर के मोर्चे में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं. जैसा कि परसों प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी ने मीटिंग लिया था और उस मीटिंग के दौरान वर्धा के सभी कांग्रेस जन उपस्थित थे और उसके अंदर हर जिले को, हर विधानसभा क्षेत्र को एक एक टारगेट दिया गया. नागपुर शहर के दीक्षा भूमि पर से निकलेगा और विभिन्न मार्गों से होकर या विधानसभा के ऊपर जाएगा. यह मोर्चे के अंदर महाआघाड़ी जो है उसके भी प्रमुख नेता उपस्थित रहने की हमने अपील की है और वे भी वहाँ पर उपस्थित रहने का उन्होंने माना है. मैं आपको बताते हुए यह कहना चाहूँगा कि वर्धा से ज़्यादा लोग इस मोर्चे में उपस्थित रहने के लिए आपकी पत्र परिषद होने के बावजूद हम यहाँ पर सभी सामाजिक लोगों से, कांग्रेस जनों से और कांग्रेस को मानने वाले सभी डॉक्टर्स, वकील्स को हम यहाँ पर मिलने आए हैं. या वर्षी खरीफ हंगामाकरिता सरसकट दुष्काळ जाहीर करून एकरी 50,000 रुपये मदत द्यावी हे प्रमुख मागणी आहे. तसेच विनाअट सर्व पिकाकरिता सर्व शेतकऱ्यांना पीक विमा मंजूर करावा. अवकाळी पाऊस व गारपीटग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांच्या प्रति एकर 50,000 रुपये मदत द्यावी. फडणवीस सरकारच्या काळातील फसव्या कर्जमाफी योजनेतून सुटलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमुक्त करावा. नियमित कर्ज भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या 50,000 रुपयांच्या प्रोत्साहन